अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी खैरियत से ही हैं। और आज है पांचवा रोज़ा, रमज़ान का पांचवा रोज़ा है आज। और अब मैं इफ्तारी की तैयारी कर रही थी, असर का टाइम हो गया है और आज देख सकते हैं ये साबूदाना है, यानी कि आज मैं आपके साथ फिर एक इफ्तार की स्पेशल रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वो है साबूदाना वड़ा, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, क्रिस्पी और कुरकुरे बन के तैयार हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं हमारे। तो ये देखिए, मैं यहाँ पूरा रेडी करके रखी हुई है साबूदाने, ये पाव किलो साबूदाने। इसको मैंने 7 से 8 घंटा भिगा के रखे हैं। इसे पानी पूरा अपना ड्रेन कर लेना है। ये है 3 से 4 आलू, इसे हमें अच्छे से बॉईल कर लेना है। ये बॉईल आलू है। 1 नींबू, कोथमीर और ये काली मिर्च है पीसी हुई, यहाँ मैंने पीस के रखी हूँ। नमक और ये है हमारा इसका खास इंग्रेडिएंट्स, यानी कि लाल मिर्च, जो सूखी लाल मिर्च आती है वो। और ये है सिंगदाने, यानी कि मूंगफली बोलते हैं इसको कच्ची। इसको भून के मैंने हल्का सा दरदरा यहाँ पीस लियो, बस वैसे ही रखना है। बस ये इंग्रेडिएंट्स लगने हैं हमें वड़े में। और आइए चलो मैं आपको बताती हूँ ये कैसे बन के रेडी हो जाते हैं। तो आप बगैर स्किप करके वीडियो वॉच कीजिए और चलिए आगे देखते हैं हम क्या क्या और कैसे बनाते हैं इसको। ये देखिए, यहाँ मैंने ये साबूदाने हैं, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। ऐसे आपको एक छन्नी में इसे ड्रेन कर लेना है। तो चलिए हम पहले यहाँ साबूदाने में डाल देते हैं। और ये है आलू, इसको मैं आपको बोलती हूँ बॉईल करके रखना है। इसको समझ करके करके हमें इसमें ऐड कर लेते जाना है। आलू अच्छे से बॉईल होना है हमारे, ना कच्चे रहना है और ना ही ज्यादा ओवर कुक कर देना है आलू को। खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये साबूदाना वड़े, बोला जाता है। और मैं यहाँ ही हॉल में बैठ के अभी बना रही हूँ, क्योंकि हमारे किचन का जो प्लेटफॉर्म है मेरा वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तो इसमें पूरा इंग्रेडिएंट्स रख के मुझे नहीं होता है बनाने, तो इसलिए मैं यहाँ ही बैठ के अब बना रही हूँ। रमज़ान से सुबह से ही हमारे चालू हो जाता है, माइंड में घूमते रहता है कि आज इफ्तारी में नया क्या बनाएंगे, आज इफ्तारी में नया क्या बनाएंगे। तो बस जैसे मैं एक ही एक डिश बना रही हूँ वैसे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आप प्लीज़ बताते रहिए कि आपको कौन सी डिश अच्छी लगती है और आप भी ये बनाते हैं या आपका तरीका कुछ अलग है। तो चलिए, यहाँ मैंने ये मूँगफली और जो आपको हरी लाल मिर्च बताई थी उसकी मैंने दोनों रखी हूँ, वो ऐड कर लेना है। और यहाँ हमारी काली मिर्च ऐड कर लेना है, 10 से 15 काली मिर्च लेना है। ये अपने तीखेपन के हिसाब से ऐड कर लेना है हमें। और अब यहाँ मैं नहीं छोड़ूंगी नींबू, नींबू डालना ज़रूर, क्योंकि अलग ही चटपटा सा टेस्ट देता है हमारा इस नींबू। पूरा 1 नींबू का जूस हमें इसमें ऐड कर लेना है। डाल रही हूँ मैंने अब टाइम है हमारा नमक डालने का। इससे 1.5 टेबल स्पून डाल देना है नमक। और अब हमारा लास्ट जाएगा हरा धनिया, जो काट के रखे हमने, कटा हुआ हरा धनिया डालना है इसमें। आप चाहो अगर ज़्यादा टेस्ट खाना पसंद करते हो तब हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं इसमें, घर में नहीं करती क्योंकि बच्चों के मुँह में आती है। तो चलिए अभी पूरे मिक्सचर को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और याद रखिए हमारे साबूदाने में अच्छे भीगे हुए फुले फुले रहना है। पूरे इंग्रेडिएंट्स हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, इसमें नमक नींबू हर एक इसमें साबूदाने में लगना है। खाने में बहुत ही अच्छे टेस्टी मज़ेदार बन के रेडी हो जाते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं।
यूनिक रेसिपी है। मैं दो दिन से आपके साथ बेसन की रेसिपी शेयर करी। आप देख सकते हैं, फर्स्ट मैंने ब्रेड पकौड़ा बनाई, सेकेंड मैंने आपके साथ अभी शेयर करना है पटाटे के भजिए, कांदा भजिए, बेसन की आइटम्स जो भी है मैंने आपके साथ शेयर करी। आज कुछ अलग रेसिपी है ये साबुदाने वालों की। महाराष्ट्र की बहुत ही फेमस रेसिपी है ये। देखिए यहाँ मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है, मैंने पूरा अच्छे से मिक्स कर दिया है, देख सकते हैं आप कैसे दिख रहा है। और अब हमें हमारे हाथों को पानी लगा के उसके वड़े बनाने, क्योंकि ये आलू का है तो थोड़ा वो चिपचिपा रहता है। ऐसे शेप बना के हमें पूरा रेडी करना है। इसके पहले हमें पूरा रेडी करना है, उसके बाद ही हमें इसे फ्राई करना है, इसे डीप फ्राई करना है। बच्चे लोग को बहुत पसंद आने वाला है, बहुत ही पौष्टिक है ये, बहुत ही शरीर के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, बच्चों के लिए हेल्दी भी है ये, कुछ यूनिक है ताकि बच्चे अलग अलग डिश रहे तो, बच्चे हो या बड़े हो अलग अलग डिश रहे तो अच्छे से खाते हैं। पूरा भी पूरे जितने हमारे बन के रेडी होते हैं उतना बना के फिर उसके बाद में किचन में जाऊँगी, फिर ट्राई करूँगी। बसर की अजा हो गई है, फटाफट हमें इफ्तार की तैयारी करें तो हमें मगरिब हो जाती है बराबर, इसे तलना होता है। फिर इसके जो भी बर्तन होते हैं मैं सातों साथ ही धो लेती हूँ, फिर उसके बाद सूट कटिंग करना, दस्तर पर बैठना, दुआ करना। तो ये मैं बराबर 4:30 बजे से लग जाती हूँ घर फिक्स करने के लिए, मेरा टाइमिंग है 4:30-4:30 बजे करती हूँ, तो अच्छा जल्दी जल्दी हो जाता है हमारा। वीडियो भी आपके साथ साथ आप वीडियो भी डालते रहना रहता है। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी लगा लगा के मैं कर रही हूँ, क्योंकि थोड़े टाइम में जैसे 1 से 2 बार हम पानी लगा लेते हैं तो देखिए चिकनापन रह जाता है हमारे हाथ में अगर 1-2 वड़े हम बना लेते हैं तो, क्योंकि आलू है इसके अंदर, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी ले रही हूँ। गीला करना है हमें हाथों को। अब यार तो इसमें यही जगह ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं पानी का यूज़ करके बता रही हूँ आपको। ये शेप तो आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा मोटा, बस इतना याद रखिए कि एकदम पतला भी नहीं और एकदम मोटा भी नहीं रखना है हमें। एकदम पतला रखेंगे तो एकदम ही ज़्यादा कड़क हो जाता है, और अगर ज़्यादा मोटा रखेंगे तो बीच में एकदम कच्चा रहने का रहेगा। तो बस मीडियम बनाइए आप, ताकि अगर खाएंगे तो ये बाहर से बहुत ही कुरकुरा और क्रिस्पी लगता है, अंदर से उतना ही सॉफ्ट रहता है। प्लेट में से अलग अलग बिल्कुल भी टच नहीं होने देना है, क्योंकि एक दूसरे को चिपक जाते हैं। तो ऐसे ही पूरा मैं बन के आपको फिर बता देती हूँ। तो ये देखिए इतने पोर्टलेट में बन के मेरे यहाँ साबुदाने बड़े बन के रेडी हो गए, और शेप ऐसे तरीके से मैंने दी हूँ गोल। ये देखिए शेप आप आपके हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं, मेरे बस घर में ही खाना है इसलिए मैंने थोड़े बड़े बड़े ही रखी हुई, यानी जितने छोटे बनाएंगे उतने ही फ्राई करें, टाइम भी चले जाता है। और ये देखिए लास्ट ये मैडम को शौक आया है साबुदाने बड़े बनाने का। वालेकुम अस्सलाम। ये देखिए यहाँ इन्होंने इसको शेप किए है, मैं बना रही थी जब से बोल रहे थे मम्मी मुझे बनाना है, तो मुझे ठीक है लास्ट का जो भी बैटर बचेगा वो आप बना लेना। तो ये लास्ट का जो एक है ये खुशी बनाए हैं और बिल्कुल सही शेप दिए है, देख सकते हैं आप बराबर शेप दिए है। तो चलिए यहाँ रखिए हम चलिए देखिए मेरे इतने 1.25 किलो साबुदाने और 3 से 4 आलू से इतना सारा बन के रेडी हो गया है। तो बस मैं आज यही बना रही हूँ इफ्तारी में,
और दूसरे कोई भी भजिए नहीं बना रही है, इसलिए स्मूथ रहते हैं। तो चलिए अभी इसे फ्राई करके मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ मैंने तेल गरम करने रख ली और तेल अच्छा हमारा हीट होना है। अगर हमारा तेल ज़रा भी हीट नहीं रहा तो ये तेल में जाते ही अलग अलग हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा टास्क है साबूदाने के वड़े बनाने का, क्योंकि ये कच्चे साबूदाने रहते हैं और इसको बनाने का बहुत बड़ा ही टास्क लगता है मुझे, क्योंकि बने तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे बन जाते, नहीं तो पूरे तेल में डालते ही बिखर जाते। तो मैं इन्हें यहाँ पूरा रेडी कर रही हूँ। यहाँ 2 मिनट मैंने यहाँ ला ली, अब मैं यहाँ किचन में फ्राई कर रही हूँ। आप देख सकते हैं किचन की स्पेस मेरी बहुत ही कम है, इसलिए मैं आपको अगर जो भी कुछ बताना है तो मैं हॉल में बैठ के बताती हूँ। ये देखिए, अगर मैं यहाँ गैस रख रही हूँ, इंडक्शन रखती हूँ, तो मुझे यहाँ बिल्कुल भी स्पेस नहीं रहती कि मैं कुछ एक्स्ट्रा कर पाऊँ। और ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ बर्तन है। अब सुबह सहरी के पूरे बर्तन थे वैसे ही, अब ये पूरे निकलते रहते। तो मैं ये पूरे भजिए बनाने के बाद, यानी कि पूरा मेरे इफ्तार की तैयारी करने के बाद, मैं बर्तन धो के फिर इफ्तार करने बैठती हूँ, क्योंकि थोड़े बहुत जो 10-15 मिनट बाकी रहते उसमें मैं किचन की क्लीनिंग भी कर लेती हूँ। तो चलिए, तेल हमारा गर्म हो रहा है। तो ये देखिए, यहाँ तेल हमारा अच्छा गर्म हो गया है। इसमें मैं फटाफट डालूँगी, ये हम ऐसा रेडी करके रहते हैं, जल्दी जल्दी डाल सकते हैं, जब तक हम इसे डाल नहीं सकते। एक टाइम पे जितना आपका ऑयल है, जितनी कढ़ाई की कैपेसिटी है, आप उतना ही उसमें डिप करिए, उससे ज़्यादा नहीं। और 1 से 2 मिनट के लिए इसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें, नहीं तो ये पूरे फूट जाते हैं। अभी 1 से 2 मिनट हो गए, ऑयल हमारा बहुत ही अच्छा हीट था। उसके बाद हमें हल्का चम्मच टच करना है, ज़्यादा नहीं। क्रिस्पी होने तक कुक करना है इसे हमें, तो इसलिए दोनों साइड अच्छे से कुक होना है इसकी। तो ये तेल में सिर्फ भजिए के लिए रखती हूँ, क्योंकि वो भजिए के जो निकलते रहते हैं वो ब्लैक हो जाते हैं, तो इसलिए ये कढ़ाई मैंने स्पेशल भजिए के लिए रखी हूँ। अब आज जैसे तेल थोड़ा कम हो गया तो हमें तेल को छान देना है। तो अगर हम इसे ऐसे रेडी रखें तो फटाफट हम लोग इसमें ऑयल में डाल के जब के जब कुक कर सकते हैं, क्योंकि आप देखें उसे बनाने के टाइम पे बहुत ही एकदम ऑयली बना रहता है, उसमें एकदम पानी सा छिपछिपा पना सा रहता है। तो इसे जब के जब ये रेडी नहीं होते, अगर बाय द वे आपके आलू और ज़्यादा कुक हो गए और ऐसा नहीं बने, तो आप इसको थोड़े देर, आधे से 1 घंटा आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छे एकदम सुनहरा कलर, यानी कि एकदम डार्क गोल्डन कलर आए तक, ब्राउनिश कलर आए तक इसे हमें फ्राई कर लेना है, तो अच्छे खासे क्रिस्पी हो जाते हैं ये। और हमारी कढ़ाई में और 2 आ सकते थे उतनी स्पेस की, तो अगले बार हम उतना ही डालेंगे। तो ये देखिए, मैं गलती से दिखा रही हूँ कि अच्छे एकदम हमारे ड्राई हो गए हैं साबूदाने वड़े, और बिल्कुल भी नहीं फीटे हुए हैं। इसका ऑयल अच्छे से निकाल देना है, उसके बाद हमें दूसरी ऐसी, ये देखिए क्योंकि क्रिस्पी हो गए अच्छे। तो चलिए अब नेक्स्ट ऐसे करके हमें पूरे इसे फ्राई कर लेना है जल्दी जल्दी, और परफेक्ट है इसलिए ये ऑयल में डाल के नहीं टूटे। तो आप देख सकते हो, और यहाँ स्पेस थोड़ी थी तो यहाँ छोटा और ऐड कर ली हूँ मैंने। तो 1 प्लेट हमारे 2 इसमें आ गए हैं। तो चलिए अब मैं पूरे फ्राई करके आपको मिलती मिलती तो ये देखिए, ये मेरा लास्ट बैच साबूदाने वड़ा का, वो भी कंप्लीट हो गया है। मेरे पूरे साबूदाने वड़े फ्राई होके निकल गए। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना प्यारा लग रहा है, गोल्डन कलर है ये, और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी।
खाने से हमारे साबुदाने बड़े बन के रेडी हो गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ, ये देखिए उसका आवाज़, ये देखिए फूले फूले, थोड़े फूले बने हैं, देखिए आवाज़ अच्छा क्रिस्पी बना था। चलिए अब इफ्तारी की तैयारी करते हैं। और ये देखिए अब साबुदाने बड़े बनने के बाद मैं जा रही हूँ अभी यहाँ रसना बनाने, क्योंकि इफ्तारी में कुछ भी कोल्ड ड्रिंक लेना, ये रसना का एक पैकेट है और 12 ग्लास का पैकेट आता है ये, और क्योंकि शहरी में भी थोड़ा बहुत पी लेते हैं बच्चे, तो इसलिए मैं एक पूरा पैक बना के एक ही साथ फ्रिज में स्टोर कर लेती हूँ। और यहाँ मैंने 12 ग्लास का पैक आता है, पर मैंने 10 ग्लास ऐड कर ली, और 10 ग्लास पानी में 2 कप फुल भर के कटोरी शक्कर ऐड कर ली। अब पहले से शक्कर को घोल लेती हूँ मैं अच्छे से, ताकि शक्कर अच्छे से घोली जाए तो भी हम रसना के पैक इजीली डाल सकते हैं और जल्दी हो जाता है, क्योंकि फिर उसके बाद हमें शक्कर दिखती नहीं कि शक्कर अच्छे से घुल पाई या नहीं, तो इसलिए पहले मैं शक्कर ऐड करके शक्कर ही घोल लेती हूँ। तो और जब इफ्तारी हम करते हैं तो खाना बिल्कुल भी नहीं कुछ भी, पर हाँ जूस या पानी बस वही हमें नज़र आता है। और बच्चे लोग को तो फेवरेट रहता है कभी रूह अफ़ज़ा, कभी रसना या कभी कोल्ड ड्रिंक्स कुछ भी। तो चलिए यहाँ मेरी शक्कर घुल के रेडी हो गई, और यहाँ मैं अभी ये 2 पैक आते हैं, एक लिक्विड रहता है जो कि ऑरेंज कलर का है, लिक्विड है, और ये जो फर्स्ट मैं उसमें ऐड कर रही हूँ वो एक पाउडर जैसी आती है वो है, ये देखिए यहाँ पाउडर का पूरा पैक मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक ही साथ बनाती हूँ। अब वो एक एक दो दो ग्लास का मेजरमेंट बराबर नहीं आता, तो इसलिए बस एक ही साथ बना के बॉटल में स्टोर करके रख सकते हैं, यानी हम कभी भी पी सकते हैं। और ये है लिक्विड, तो 2 पाउच आते हैं इसमें, एक पाउडर है और एक लिक्विड, ये लिक्विड भी मैंने ऐड कर लिया, देख सकते हैं इसका कलर कितना माशाल्लाह मैंगो सा है ये, और मैंगो का है, इतने दिन से ऑरेंज पी रहे थे, आज मैंगो का मिला है हमें, तो बस मैंगो का बना ली हूँ। चलिए यहाँ शरबत मेरा रेडी हो गया, अब इसमें फ्रीज़र में रख देती हूँ मैं। तो चलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इफ्तारी पूरी कंप्लीट हो गई है, और अब हम बैठे इफ्तार करने, बस अज़ा का सायरन का इंतज़ार है। चलिए आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दुआओं में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।